उफ, ये गर्मी। दोस्तों गर्मियां जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, और जैसे ही आप अपने रूम में बाहर से आते हैं, इंटर करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पैनासोनिक का जो एसी मैंने एक साल पहले लिया था, 1.5 टन 5 स्टार, 2023 मॉडल है ये, तो ये कितनी जल्दी रूम को ठंडा करता है ये मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो मेरा रूम है ये 180 स्क्वायर फीट का है, और 180 स्क्वायर फीट इस दीवार तक 180 स्क्वायर फीट है, और इस ये जो आप पीछे पोर्शन देख रहे हैं ये करीब 7-8 फीट एक्स्ट्रा है, ऊपर जो जगह दी गई है सामान रखने के लिए वो एक्स्ट्रा है। तो 180 स्क्वायर फीट प्लस वो जो एक्स्ट्रा जगह है, इतना बड़ा मेरा रूम है। और ये फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो टॉप से और वेस्ट साइड से यहाँ पर जो सनलाइट है वो इस रूम में मतलब आती है, सनलाइट से एक्सपोज है ये रूम। तो दोस्तों मैं आपको रूम की टेम्परेचर दिखाऊं, 33.8 डिग्री सेल्सियस समय है, और 249 यानी कि दोपहर का समय है ये, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है। अप्रैल का महीना भी है, तो अभी से यहाँ पर देख सकते हैं 33.8 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है, और मैं अपने एसी को ऑन करने वाला हूँ और देखते हैं कि कितनी फास्ट कूलिंग ये करता है और कितनी जल्दी जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो मैं यहाँ 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है एसी का सेट करने वाला हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एसी जो है कितनी फास्ट अपने टेम्परेचर पे आ जाता है, 28 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर कर देता है, ये मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आखिरी तक। तो दोस्तों यहाँ पर रूम टेम्परेचर आप देख रहे हैं 33.8 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं अपने एसी को ऑन करूँगा और यहाँ पर टेम्परेचर जो मैं रखूँगा 28 डिग्री सेल्सियस रखूँगा, और यहाँ पर देखेंगे कितना टाइम लेता है एसी 28 डिग्री सेल्सियस आपके रूम टेम्परेचर को बनाने के लिए। यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस हम देखेंगे कितना टाइम लेता है। वैसे मेरा रूम काफ़ी बड़ा है तो हो सकता है कुछ ज़्यादा समय ले, डिपेंड करेगा रूम साइज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको मैं रखूँगा पावरफुल मोड पे, क्योंकि पावरफुल मोड पे जो एसी है वो अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम एसी को पहले ऑन कर लेते हैं, और इसको हम रखते हैं पावरफुल मोड पे। अब एसी जो है हमारा पावरफुल मोड पे स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं कितना टाइम लेता है ये रूम को ठंडा करने के लिए। टेम्परेचर मीटर को मैंने बेड पे ही रखा हुआ है, तो बेड पे ही आपको जो कूलिंग का अंदाजा है वो हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये जो मैंने रखा हुआ है ये अपने बेड पे ही रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं मीज़र कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी फुल ट्रांसपेरेंसी में आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई मिसगाइड का काम नहीं हो रहा है, जो रियल में टेस्ट हम कर रहे हैं वो रियल में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 33.1 डिग्री सेल्सियस हो चुका है 4 मिनट में लगभग, तो यहाँ पर 4 मिनट में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। 33.8 से हमने स्टार्ट किया था और 0.7 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर हो चुका है, 33 अब हो गया। तो हम देखेंगे 28 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने समय में इतने बड़े रूम को 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनाने में इस एसी को कितना समय लगता है। वैसे कूलिंग जो है वो अभी से ही काफ़ी अच्छी आ रही है, अभी से ही काफ़ी कम्फर्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि इसकी ठंडी ठंडी हवा है वो कंफर्ट महसूस करा रही है। बट हम एक अल्टीमेट टेस्ट लेंगे कि कितनी जल्दी जो है हमारा जो रूम है वो 28 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 32.7 डिग्री सेल्सियस हो चुका है 5 मिनट के अंदर। ये जो एसी है 1.5 टन 5 स्टार है, और पैनासोनिक का एसी है, 2023 मॉडल है। इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। इसका मैंने पावर कंजम्पशन टेस्ट भी किया हुआ है वहाँ पर, और इसके जो रिमोट के फीचर्स हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं, तो अगर वो जानना है आपको तो हमारे चैनल पर उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वैसे जो मेरा रिव्यू है एक साल बाद इस एसी का, वो अच्छा है, काफ़ी अच्छा एसी है ये, और काफ़ी पावर इफ़िशेंट भी बोल सकते हैं, और काफ़ी अच्छी कूलिंग भी देता है। काफ़ी बड़ा रूम है मेरा 1.5 टन एसी के हिसाब से, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और बहुत ही अच्छी कूलिंग यहाँ पर बहुत ही कम समय में ये देता है।
और बाकी जो रियल टेस्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 28 डिग्री सेल्सियस ये कितने टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो चुका है, करीब 8 मिनट में 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो चुका है। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 4 मिनट में 1 डिग्री, बाकी देखते हैं कि कितना टाइम और लगता है इसको। दोस्तों आज 15 अप्रैल है और जो अप्रैल में टेम्परेचर काफ़ी अभी ज़्यादा हो रहा है, रूम का टेम्परेचर मैंने आपको दिखाया 33.8 था और बाहर भी काफ़ी गर्मी हो रही है, तो काफ़ी हॉट डे आज था भी, तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना टेस्ट करते हैं इसको, और इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है वो आपके लिए बनाई है। तो आप इसे एक अंदाज़ा ले पाएंगे कि कितना टाइम लेता है। तो पैनासोनिक का एसी, अगर आपको यही एसी परचेस करना है तो इसकी जो पावर कैपेसिटी है, कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग स्पीड है, वो इस वीडियो से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। मेरा तो रूम काफ़ी बड़ा है, मैंने आपको दिखाया था 180 स्क्वायर फीट प्लस एक्स्ट्रा जो ऊपर स्पेस है, और तो अगर आपका छोटा रूम है 150 स्क्वायर फीट के आसपास तो और कम टाइम में ठंडा कर देगा आपके रूम को। और मैंने पैनासोनिक का 2022 मॉडल का एसी भी मेरे घर में लगा हुआ है, और इसीलिए 2022 मॉडल वाला थोड़ा अच्छा था तो इसलिए भी मैंने 2023 मॉडल परचेज़ किया, और उसका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा है। तो 154 स्क्वायर फीट के रूम में वो लगा हुआ है और काफ़ी जल्दी कूलिंग कर देता है, ठंडी लगने लगती है, तो उसका भी रिव्यू काफ़ी बढ़िया है। अच्छा जो दोस्तों, जो हम लोग सोचते हैं कि अगर 16 डिग्री सेल्सियस या फिर 18 डिग्री सेल्सियस पर अपने एसी को चलाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा कूलिंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके रूम टेम्परेचर आप सेट करते हैं वहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस या 24 डिग्री सेल्सियस या फिर 18 डिग्री सेल्सियस, कि आपको अपने एसी के कंप्रेसर को कब तक ऑन रखना है, कि जब तक वो 16 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुँच जाए या 18 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुँच जाए। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एसी है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इससे क्या होगा, आपके जो बिजली का बिल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो एसी है वो 26, 24, 28 इस तरह से इस टेम्परेचर पर रखिए, काफ़ी ठंडा रहेगा, काफ़ी कंफर्ट फील होगा आपको। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अपने एसी का टेम्परेचर 26 से 30 के बीच में रखिए, इससे कम ना रखिए, नहीं तो बच्चे को ठंडक लग सकती है। सबसे बढ़िया टेम्परेचर है 28 से 30 के बीच में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको टेम्परेचर डिफरेंस से काफ़ी दिक्कत होती है, वो जैसे एसी वाले रूम से बाहर निकलते हैं तो फिर उनको सर्द गर्म होने का प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा कोल्ड होने का उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप अपने एसी को 28 से 30 के बीच में रख। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 12 मिनट हो चुके हैं और 30.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हो गया है, तो लगभग आप देख सकते हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस जो है 12 मिनट में 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो चुका है। तो वही 4 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस, ये अभी उस हिसाब से ही चल रहा है। अब देखते हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में ये पहुँचता है। तो जो एसी है हमारा दोस्तों वो 4 वे स्विंग पे काम कर रहा है, ये भी नहीं है कि ये हमने सिर्फ इस टेम्परेचर मीटर के ऊपर ही फोकस किया है इसको, हमने इसको फोकस किया है पूरे रूम में, तो पूरे रूम का जो टेम्परेचर है वो आपको सामने आएगा। यही नहीं कि मैं इसके ऊपर भी फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो भी जेन्यून रिव्यू होगा वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ आप ही की तरह, और अपनी हार्ड अर्न मनी से हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे हमने एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसमें क्या है कि हमारे पैसे लगे हुए रहते हैं, अगर हमने कोई गलत चीज़ ले ली है तो उसको हमको पछताना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है उसके साथ। तो हम सोचते हैं कि कोई जो सामान लिया जाए, कोई भी चीज़ें ली जाएँ वो अच्छी ली जाएँ, थोड़े पैसे भले 1-2 हज़ार ज़्यादा लग जाएँ लेकिन अच्छी चीज़ ली जाए जो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो मैं उस हिसाब से आपको कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू देता हूँ जिससे कि आपके पैसों का नुकसान ना हो। तो सर यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम का टेम्परेचर हो चुका है, तो लगभग 3.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो चुका है।
तो दोस्तों यहाँ पर 20 मिनट्स हो चुके हैं और 29.2 डिग्री सेल्सियस जो है रूम का टेम्परेचर है। तो अभी यहाँ पर 28 डिग्री होने में थोड़ा समय है, 1.2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो देखते हैं कि 28 डिग्री होने में और कितना समय यहाँ पर लगता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 मिनट 16 सेकंड जो है का टाइम लगा है इस एसी को 28 डिग्री सेल्सियस इस रूम के टेम्परेचर को लाने में। तो दोस्तों देखो, देखिए जो रूम है काफ़ी बड़ा भी है और इसमें काफ़ी गर्मी भी है। वैसे जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर मीटर जो है, ये जो रीडिंग दे रहा है और रियल में जो रीडिंग है जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो रूम है वो काफ़ी कूल हो चुका है, काफ़ी कम्फर्टेबल यहाँ पर मैं फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली जो एसी है वो 5 मिनट बाद ही काफ़ी अच्छी कूलिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा था, 5 मिनट बाद ही काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था ये रूम। अगर थ्योरेटिकली बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर आने में 30 मिनट 16 सेकंड लगे हैं और ये आपके सामने जो भी हमने टेस्ट किया वो है। और दोस्तों मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ जो रियल है इस एसी का रिव्यू, वो काफ़ी अच्छा एसी है ये और काफ़ी अच्छी कूलिंग भी करता है और काफ़ी अच्छी पावर सेविंग करता है। इसमें स्मार्ट फीचर जो आप इसको वाईफाई से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया स्मार्ट फीचर है उसमें। आप अपने एसी को कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी उसको ऑन ऑफ या फिर उसका जो टेम्परेचर है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है इस प्राइस में जो आपको मिलता है। तो दोस्तों ये था इस एसी का कूलिंग टेस्ट और कैसा लगा आपको। कुछ भी आपको डाउट है आपके मन में तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उसका जो सॉल्यूशन है वो निकाला जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।